मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज रामलला अयोध्या में विराजमान है, क्या एसपी बीएसपी कांग्रेस ऐसा कर सकते थे? आज राज्य में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया जाता। अब पश्चिमी यूपी में कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ निकाली जाती है और पूरा देश इसका गवाह बनता है। बेटी दूर के रिश्ते में पढ़ने के लिए भेज दी जाती थी, व्यापारी व्यापार करने से डरता था, जिन अपराधियों के भय से ये होता था उनको पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। आज अपराधी गली में तख्ती लटका के घूमता है कि भैया मैं ठेला बेचकर ठेली लगा कर के मैं पेट भर लूंगा, लेकिन जान बतस होएगा। बहनों भाइयों, ये जो माहौल बदला है ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने अच्छी सरकार को चुना है। आपका एक वोट इसका हकदार है, एक वोट। जब वोट आपने सही जगह दिया तो सही कार्य हो रहे हैं, अपराधी ठिकाना लगाए जा रहे हैं, गरीबों का कल्याण हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बेटी और व्यापारी दोनों को सुरक्षा मिल रही है, आस्था का भी सम्मान हो रहा है। जब गलत लोगों को चुनते थे, दंगा करवाते थे, खेत में फसल भी कटवा लेते थे और कोई अपने खेत में पंपिंग मशीन लगाया है ना पानी डालने के लिए, क्योंकि बिजली तो आती नहीं थी। सपा बसपा की सरकार ने तो क्योंकि वे लोग अंधेरे के प्यारे, अंधेरा उनको अच्छा लगता है, इसलिए बिजली भी नहीं देते थे। बहनों और भाइयों, आज तो बिजली दे दी गई है ना, सबको बिजली मिल रही है, बिना भेदभाव के बिजली मिल रही है, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम है,